आज हम पढ़ेंगे एमपीएल लॉ। एमपीएल लॉ बोर्ड एग्जाम का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप फाइव ईयर उठा के देखो, आप गेस्ट पेपर उठा के देखो, आपको एमपीएल लॉ ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। ये जो बात लिखी हुई है, जब तक आपको समझ नहीं आएगी, जब तक आप इस कंडक्टर को ना समझ लो और मैग्नेटिक फील्ड को ना समझ लो, ठीक है। अच्छा, ये डेरिवेशन भी करेंगे क्योंकि इस लॉ के अंदर डेरिवेशन भी है, तो इसको भी देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो ये समझ लो कि भाई एम्पियर लॉ एम्पियर नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, उसी के नाम पर इस लॉ को एम्पियर लॉ कहा जाता है। अच्छा, एम्पियर लॉ क्या बता रहा है? एम्पियर लॉ आपको जो कंडक्टर के अंदर करंट है और जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसका रिलेशन बता रहा है। एम्पियर लॉ क्या बता रहा है? देखो, अगर ये चीज़ आपने याद रख ली ना, पूरा लॉ आपके लिए हलवा हो जाना है, आसान हो जाना है, फील आ जाना है कॉन्सेप्ट का। एम्पियर लॉ आपको जो कंडक्टर के अंदर करंट है और जो उसके इर्द गिर्द सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है, इसका रिलेशन बता रहा है कि कितना करंट होगा तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी। बात समझ आ गई? ये चीज़ देखो यहाँ लिखी हुई है। अब इसको जो है ना मज़ीद डिटेल में ले जाते हैं और सारा जो है ना कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। देखो भाई, ये आपके पास हो गया कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर है तो इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा होगा, करंट फ्लो कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। करंट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में फ़्लो हो रहा है। अब आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब करंट अपवर्ड डायरेक्शन में फ़्लो करेगा, या चलो डाउनवर्ड भी है, तो इस कंडक्टर के इर्द गिर्द, इस कंडक्टर के पास एक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगी। कैसे? ज़रा देखो, ये आपका करंट है, ये आपका करंट है जो कि फ़्लो कर रहा है। अब जब आप चेक करोगे ना, तो आपके पास एक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगी, ठीक है, एक सर्कुलर। अब इसकी डायरेक्शन का कैसे पता चलेगी? इसकी डायरेक्शन आपको राइट हैंड रूल से पता चलेगी। कंडक्टर को पकड़ो, करंट की डायरेक्शन में फिंगर को करो, तो जिस डायरेक्शन में ये उंगलियां घूम रही हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी भाइयों को पता चल गई। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता है, करंट कितना है ये भी आपको पता है, आप एम्पेयर, आप जो है वो एम मीटर से पता कर सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड कितनी है ये मुझे बताओ, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है ये मुझे बताओ, ये आपको नहीं पता। इस ही चीज़ को पता लगाने के लिए आपके पास एम्पियर लॉ यूज़ होगा, इस ही चीज़ को पता लगाने के लिए एम्पियर लॉ यूज़ होगा, और एम्पियर लॉ की मदद से आप मैग्नेटिक फील्ड पता लगा सकते हो। बहुत सारे आप आगे ऐसे न्यूमेरिकल करोगे जिसमें एम्पियर लॉ को यूज़ करके ही हम मैग्नेटिक फील्ड को पता लगाएंगे, सही है। अच्छा, अब देखो, हमें रिलेशन पता करना पड़ेगा कि किस तरह से हमारे पास जो है वो इसका फॉर्मूला आएगा जिससे हम मैग्नेटिक फील्ड पता कर सकें। सबसे पहले याद रखना कि आपके पास जो कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो दो चीज़ों पे डिपेंड करेगी। कितनी चीज़ों पे? दो चीज़ों पे। एक तो करंट कितना है कंडक्टर के अंदर, इसके ऊपर डिपेंड करेगी। एक तो जो रेडियस है ना आपका मैग्नेटिक फील्ड का, यानी आप मैग्नेटिक फील्ड कितनी दूर वाली ले रहे हो, इसके ऊपर डिपेंड करेगी। दो चीज़ें हो गई। चलो, सबसे पहली चीज़ क्या हो गई? सबसे पहली चीज़ हो गई कि आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, डेरिवेशन के नीचे स्टेटमेंट लिखना चाहो तो ये लिख लेना और ये लिख लेना, सही है, और उसके आगे फिर आप डेरिवेशन कर सकते हो, ठीक है। एज वी नो डैट, जैसा कि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 2i के, यानी अगर करंट 2i होगा कंडक्टर के अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा होगी। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड आपके पास जो है वो सिर्फ एक थोड़ी ना होगी, मैग्नेटिक फील्ड तो ये भी होगी, मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ भी होगी आपके पास, ये भी एक सर्कल बन रहा होगा। अब ऐसा तो नहीं है कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी सेम होगी इसकी, नहीं। जितना ज़्यादा आप करंट से दूर जाते जाओ, जितना ज़्यादा आप जो है वो दूर जाते जाओगे, ठीक है, आपके पास क्या होगा, डिस्टेंस जो है वो बढ़ता जाएगा। डिस्टेंस बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी कम होती जाएगी। तो आपको ये भी देखना है कि आपका रेडियस कितना है, रेडियस पे भी आपके पास जो है वो मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करेगी। जैसे आपने कूलम लॉ में पढ़ा और न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ में पढ़ा, ठीक है, तो रेडियस पे भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करेगी। यहाँ आपके पास जो है वो इन्वर्सली डिपेंड करेगी, क्योंकि मैंने क्या कहा, मैंने कहा अगर डिस्टेंस बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही होगी। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बी लिख लो, बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया आपका बी जो है वो आपके पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर के। ये हो गया आपका एक्सप्रेशन वन और ये हो गया एक्सप्रेशन टू। दोनों को आप अगर कंबाइन कर दो, ऐड नहीं करना, कंबाइन करना, तो कंबाइन
कंबाइन बी आई एन ई कंबाइन वन एंड टू, तो देखो दोनों को जब कंबाइन करोगे तो क्या आएगा, बी दोनों में सेम है वन टाइम लिख लोगे, ठीक है। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन भी सेम है वन टाइम लिख लोगे। फिर आपके पास आ गया टू आई और आर, बहुत हद तक आप जो है वो करीब करीब आ गए हो। अब यहाँ पर हमारे पास आएगा कॉन्स्टेंट, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉन्स्टेंट जिसे आप बोलते हो कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, तो यहाँ जो कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है वो है क्या है आपके पास, वो आपके पास बराबर होगा, वो आपके इक्वल टू के बराबर हो जाएगा, और साथ ही साथ आपके पास बराबर होगा म्यू अपॉन फोर पाई के, म्यू अपॉन फोर पाई के, सही है, समझ गए। अच्छा यहाँ पर ये इस तरह लिखना, ये क्या है, ये है परमीएबिलिटी, परमीएबिलिटी। देखो आपने पीछे पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड में परमिटिविटी, ये है आपके पास परमीएबिलिटी, परमीएबिलिटी। परमीएबिलिटी आपको क्या बताती है, परमीएबिलिटी आपको ये बताती है कि कितनी नंबर ऑफ लाइंस जो है वो कोई मटेरियल अलाउ कर रहा है कि उसके अंदर से गुजर जाए, ठीक है, कितनी कोई मटेरियल अलाउ कर रहा है कि नंबर ऑफ लाइंस जो है वो उस मटेरियल में से गुजर जाए। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक लाइंस होगी, इस बात को याद रखना। अच्छा इसकी कॉन्स्टेंट वैल्यू है वो क्या होती है, 4 पाई मल्टीप्लाई 10^-7, यूनिट क्या होगा, वेबर, एम्पियर का इन्वर्स और मीटर का इन्वर्स। चलो बात समझ आ गई ना। अच्छा अब देखो ऊपर पुट कर दो तो ये हो गया बी इक्वल टू आ गया, और टू आई अपॉन म्यू आ गया, और आ गया नीचे 4 पाई और आर एल एस, पहले से 2 से 4 कैंसिल। अच्छा देखो ये जो 2 पाई का लॉजिक है ना, ये छुपा हुआ है डेरिवेशन के इंटीग्रल पार्ट में, मगर आपका हिस्सा जो है ना वो इंटीग्रल पे नहीं डिपेंड कर रहा, मतलब आपको इंटीग्रल नहीं पढ़ाया जा रहा सेकेंड ईयर में, तो इसलिए शायद ये 2 पाई आपको कन्फ्यूज़ करे, बाकी तो सब समझ में आ रही है बात। तो म्यू आई अपॉन 2 पाई आर, दिस इज़ अवर मैग्नेटिक फील्ड फार्मूला फॉर एम्पियर लॉ, एम्पियर लॉ के लिए, यानी एम्पियर लॉ की मदद से जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला है। मगर मैंने एक और चीज़ भी लिखी थी, अभी तक वो नहीं बनी है, उसके ऊपर बात करते हैं, क्योंकि वही जो है ना असल कॉन्सेप्ट का फील है, उसी में मज़ा है। अब देखो मैंने आखिर ऐसा क्या टेक्निक अप्लाई करी, ये तो देखो मैंने आपको बता दिया ना कि करंट इसमें से फ्लो कर रहा है, सर्कुलर फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी, मैग्नेटिक फील्ड दो चीज़ों पर डिपेंड कर रही है, एक तो रेडियस पर, जितना दूर जाते जाओगे मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, जितना करंट बढ़ाओगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, और 2i बढ़ेगी। लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि यहाँ पर आपने ऐसा किया क्या कि आपको मैग्नेटिक फील्ड पता चल गई। अब ये चीज़ भी आपको मैं समझाता हूँ, इधर आओ इधर आओ। देखो आपने क्या किया, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन याद रखना इस तरह है, एंटी क्लॉक है। आपने क्या किया, एक छोटा सा यहाँ पर डेल्टा एल ले लिया। देखो मैग्नेटिक फील्ड हमारा जो ये सर्कुलर शेप बन रही है ना, हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड हमें पता है सर्कुलर है, हम उस सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड को पता लगाने के लिए एक सर्कुलर जो हमारे पास फॉर्म है उसे लेंगे, एक सर्कुलर जो है वो फॉर्म को लेंगे, एक सर्कल को लेंगे, एक सर्कमफेरेंस को लेंगे। देखो ये कंसीडर किया है, आप अगर करंट मूव कर रहा है तो ये चीज़ आपको नज़र तो नहीं आती ना, कभी आपने देखा है कि करंट मूव कर रहा है बराबर में यूँ मैग्नेटिक फील्ड घूम रही है, ये तो हम बना के दिखा रहे होते हैं, विजुअलाइज करा रहे होते हैं ताकि आपको पता हो कि हो क्या रहा है, मगर नेचुरल रियल वर्ल्ड में तो आपको नहीं दिखेगा जबकि मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो ये हम अपने पास से बनाते हैं, हाइपोथेटिकली बनाते हैं, या आपको सपोज करके दिखाते हैं कि भाई देखो हमने इस तरह का एक सर्कुलर जो है वो वायर ले लिया, या एक सर्कुलर सर्कल ले लिया, ठीक है, ये हमने सजेस्ट किया है। अब हमें पता है कि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो टेंजेंशियल होगी, क्या होगी, टेंजेंशियल, टेंजेंशियल किसकी होगी, इस सर्कल के, इस सर्कुलर पाथ के, इस सर्कल के, ठीक है। अच्छा अब टेंजेंशियल होने से क्या हो जाएगा, हमारे पास टेंजेंशियल होने से अब हमारे पास एक सर्कुलर पाथ आ गया। अब हम इस सर्कुलर पाथ को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देंगे, क्योंकि देखो मैं पूरा सर्कुलर पाथ तो नहीं पता कर सकता ना, तो मैं क्या करूँगा, मैं छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देता हूँ। तो देखो मैंने छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ा, ये डेल्टा एल हो गया, ये वन हो गया, अगला हिस्सा डेल्टा एल टू हो गया, इसी तरह और छोटे छोटे हिस्से तोड़ता जा रहा हूँ मैं, ठीक है, उसके बाद मैं पता करता जा रहा हूँ। और याद रखना मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इसी लाइन पर होगी लेकिन टेंजेंशियल होगी,
ठीक है, छोटे छोटे। अब मैंने कहाँ तक तोड़ दिया, डेल्टा एल एन तक तोड़ दिया। अब मैं क्या करूँगा, एल वन एल टू एल थ्री एल फोर और डेल्टा एल डेल्टा एन, इन सबको ऐड कर दूँगा आपस में इन सबको। देखो ये वैसे तो आगे पढ़ोगे ना इसे डिफरेंशियल लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, ये ऐसे नहीं लिखा जा रहा होगा आगे आगे लेवल पे, ये ऐसे लिखा जाएगा। मगर अभी तक आपको डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन इतने बड़े लेवल पे नहीं पढ़ाई गई है कि इसे अभी डेल से डी बनाया जा सके, तो इसलिए डेल रखो, सही। आगे अगर कोई और बुक देखोगे तो उसमें आपको जो इंटरनेट पे नज़र आएगा उसमें डी ही नज़र आएगा, इसलिए समझा रहा हूँ। तो डेल्टा एल एन हो गया आपके पास, बात ख़त्म हो गई हमारी। अच्छा अब तो ये फॉर्मूला तो ये नहीं है, ज़रा मेरी बात सुनो। अगर मैं सारे डेल्टा एल एन को ऐड कर दूँ, ठीक है, हेयर इधर देखो क्या मज़े वाली चीज़ होगी। अगर मैं सारे ये जो जितने भी डेल्टा एल है इन सबको ऐड कर दूँ, टोटल एल निकालूँ, एल वन डेल्टा एल वन डेल्टा एल वन प्लस डेल्टा एल टू प्लस डेल्टा एल थ्री प्लस डॉट 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 प्लस डेल्टा एल एन, इन सबको ऐड कर दूँ तो ऐड करने से मुझे क्या मिलेगा? ऐड करने से मेरे को जो है ना सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल मिलेगा ना, क्योंकि ये सर्कुलर फॉर्म है, सर्कल बना हुआ है। तो डेल एल टी किसके बराबर हो गया, या ये सब किसके बराबर हो गए, टू पाई आर के बराबर हो गए, है ना, टू पाई आर के बराबर हो रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इस टू पाई आर को उधर ले जाता हूँ, इसको सिर्फ टी नहीं लिखो एल लिख लो, क्योंकि बुक में टी से डिफाइन नहीं किया, मैंने टी टोटल समझाने के लिए लिखा था। तो आपके पास ऊपर वाला फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हो, बी टू पाई आर इक्वल टू म्यू और आई, ये लिख सकते हो जी, लिख सकते हैं सर। तो फिर आपके पास क्या आ गया, बी एल। अच्छा अब डेल्टा एल लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि देखो अभी तो हम टोटल की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ तो फिर मुझे सबको ऐड करना पड़ेगा ना, तो इसीलिए डेल्टा एल इक्वल टू म्यू आई। अच्छा अब आपने डेल्टा लिखा है तो आपको समीशन भी लगाना पड़ेगा। समीशन क्यों लगा रहा हूँ, इसका भी रीज़न सुनो। देखो समीशन लगाने की वजह यह है कि समीशन लगाने से हमारे पास जितने भी हमारे पास ये L1, L2 ये जितने भी डेल्टा L मौजूद हैं ये सब क्या होंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे। बात समझ आई, ये सारे आपस में ऐड हो जाएंगे, तो ये आपके पास फाइनल फार्मूला बनकर आएगा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड डिफरेंशियल लेंथ कह लो या चेंज इन लेंथ, वो बराबर होगा म्यू आई के। समझ में आई बात, यानी अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है तो आपको कंडक्टर में जो करंट है वो पता होना चाहिए, इसका सर्कमफेरेंस पता, इसका रेडियस पता होना चाहिए जो आप सर्कुलर फॉर्म ले रहे हो, और आपको जो है वो परमीएबिलिटी पता होनी चाहिए, आपको वैल्यू पता चल जाएगी, पाई तो कांस्टेंट है वो तो आप ऐसे ही बता सकते हो। तो यही चीज़ यहाँ लिखी हुई है। अच्छा अब देखो मैंने कहा ना आपको हायर लेवल नहीं पढ़ाया जा रहा, लेकिन ये जो डेफिनेशन लिखा हुआ है, जो ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, ये हायर लेवल के मुताबिक लिखी हुई है। याद रखना हम हायर लेवल पे ना समीशन यूज़ नहीं करते, उसकी जगह यूज़ करते हैं इंटीग्रेशन। तो जहाँ पे इंटीग्रेशन का वर्ड यूज़ होगा ना वहाँ मैं उसे समीशन कर दूंगा, सही है। तो समझ में आ गया ना फॉर्मूला, सारी चीज़ें सारा डिटेल कॉन्सेप्ट ले गया मैं। अब इसी को जो है ना बस एक छोटी सी डेफिनेशन को पढ़ देते हैं, उसके बाद वीडियो ख़त्म करते हैं। एम्पियर लॉ कैन बी डिफाइन एज, एम्पियर लॉ को डिफाइन किया जा सकता है, इस चीज़ को दिमाग में रखना। इंट्रीगल हटा लो, समीशन कर लो, क्योंकि आपको इंट्रीगल नहीं पढ़ाया गया। इंट्रीगल क्या करता है, ये सारे पार्ट्स जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं ना, जो छोटे छोटे एरियाज हैं, उन सबको आपस में ऐड कर लेता है। और छोटा छोटा क्यों कर देते हैं, हम तोड़ देते हैं ताकि हमारे पास चीज़ें कांस्टेंट आ जाए, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट आ जाए या लेंथ कांस्टेंट आ जाए, सही। ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ क्लोज लूप कह लो या सर्कुलर पाथ कह लो, इस अच्छा जो क्लोज लूप पर मैग्नेटिक फील्ड है, यानी ये जो क्लोज लूप वाली मैग्नेटिक फील्ड है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टू द टोटल इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक करंट के पासिंग थ्रू द लूप। ये कांस्टेंट है आपको पता है ना, इसको अगर मैं हटा दूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ये लो ये जो बात लिखी हुई है ये बन गई, कि जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है और जो एलिमेंट है यानी जो लेंथ है सर्कुलर लूप है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के जो के कंडक्टर में फ्लो कर रहा है। ठीक है भाइयों, ठीक है समझ में आ गई मेरी बात, बस यही चीज़ मुझे आपको जो है बतानी थी और यही कराना था।
वैसे ज़्यादा हार्ड में लेकर नहीं गया हूँ, आसान ही रखा है मैंने बात को ताकि आपको समझ में आ जाए। चलो इसको देख लेना, इसको अच्छी तरह से लिख लेना, बात अच्छी समझ में आ जाएगी। कुछ ना समझ में आया पूछ लेना, गाइड कर दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। किमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।